Thank you, Madam. Uh, the bill, the Constitution's Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, Amend the Constitution Jammu Kashmir Scheduled Caste Order 1956. The order lists the castes deemed to be scheduled caste in the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The bill adds Balmiki community as a synonym of Chura, Balmiki, Bhangi, and Mehtar communities. The synonym will apply only in the union territory of Jammu and Kashmir. Second, the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill, 2023, it amends the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order, 1989, to create separate list for scheduled tribes for union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The bill also adds four communities to the list of the scheduled tribe in Jammu and Kashmir. These are Goda Brahmin, Koli. पडरी ट्राइब एंड पहाड़ी एथनिक ग्रुप टू बिल्स आर क्लब टुगेदर इन ऑर्डर टू फेसिलिटेट आवर डिस्कशन। आई एम एट दैग एंड ऑफ द डिस्कशन मैं ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहते सिर्फ एक ही बात कहना चाहते एक ही बात वो ये है कि थ्री सेवेंटी हटाने के बाद और थ्री फिफ्टी वन के हटाने के बाद लद्दाख के लोगों को ये जहन में ये आए थे कि उन लोगों के लिए न्याय मिलेगी आज लद्दाख के लोग अपने स्टेट के डिमांड कर रहे हैं स्टेट के लिए आंदोलन कर रहे हैं सारे लद्दाख बंद कर देते हैं और साथ साथ वहाँ सिक्स शेड्यूल की मांग करते हैं एक तो स्टेट दूसरी तरफ सिक्स शेड्यूल की मांग करते हुए सारे लद्दाख के आम लोग हजारों की तादाद पर आज रास्ते पर उभर रहे हैं तो इस मुताबिक जब ये बिल आ ही रहे हैं तो लद्दाख को क्यों नहीं और लद्दाख वासियों को ये उनकी भावना को सम्मान देते हुए उनकी भावना को संज्ञान में लेते हुए क्यों ना लद्दाख के लोगों को ये सिख शेड्यूल की अंतर्गत करने की नहीं सोच कर सोचा नहीं सोचे सोचने की जरूरत है सरकार को मैं ये मांग जरूर करूँगा क्योंकि 2023 में हमारे यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से एक हाई पावर कमेटी गठन किया गया था जिसका नेतृत्व तो दिए थे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम के मिस्टर राय ने ये ऑब्जेक्टिव यही था कि एंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ़ दी लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ़ लद्दाख लेकिन लद्दाख के पीपल लद्दाख के लोग वो अभी सोच रहे हैं कि उनके साथ वंचना हो रहे हैं वो वंचित हो रहे हैं तो इसके लिए भारी आक्रोश उनकी इजहार करते हैं तो मैं ये सदन के सामने जहाँ होम मिनिस्टर भी है और हमारा सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी है उन सबको मैं निवेदन करूँगा कि लद्दाख के बारे में सोचा जाए क्योंकि काश्मीर की जब मुद्दा दिन भर आ चर्चा में आ गए हैं तो लद्दाख क्यों बाहर रहे क्योंकि लद्दाख भी आपने कश्मीर को दो हिस्से में बाँट लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरीटे बनाए लेकिन लद्दाख के बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं होते इसके साथ साथ इसके इस दायरे की बाहर लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री और सोशल जस्टिस जस्टिवी ये भी सोचे कि बंगाल में दार्जिलिंग दार्जिलिंग के जो गोरखा लोग रहते हैं उन्हीं लोगों का भी बहुत सालों से यह मांग है कि उनको भी सीख शेड्यूल के दायरे में लाया जाए ये भी सोचने के लिए मैं सरकार को निवेदन करूंगा और ये साथ, साथ ये समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को देना चाहता भारतीय कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का, का अध्यक्ष साथ ही लोकसभा में विपक्षी का नेता श्री अधि चौधरी ने आज को लोकसभा को बहस में जुन लद्दाखको विषय लिएर उहाँले समर्थन जनाउनुभयो अनि साथसाथै दीर्घकालीन दार्जिलिङको बारेमा पनि उहाँले उजागर गरेर गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा दार्जिलिङको निम्ति बोलिदिएकोमा दार्जिलिङ पहाडको तर्फबाट श्री अधिरञ्जन चौधरीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज उहाँले जुन प्रकारले आफ्नो वक्तव्य लद्दाख विषय राख्नुभयो साथै लद्दाखलाई लिएर पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङको पनि जुन समस्या उजागर गर्दै त्यो समस्याको समाधान विषयमा छैटौँ अनुसृचीको निम्ति वकालत गरिदिए यसले स्पष्ट हुन्छ कि काङ्ग्रेस पार्टी दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्स अनि गोर्खाहरूको संवेदनशील विषयहरूमाथि चिन्तित छन् अनि विगतमा पनि धेरै समयसम्म कङ्ग्रेस सरकारमा रहँदा दार्जिलिङ पहाडलाई तराई र डुवर्स अनि गोर्खा जातिलाई सानुभूतिपूर्वक हेर्दै उहाँहरूले धेरै कुरोहरू प्रदान गर्नुभयो संवैधानिक मर्यादा को कुरोहरूदेखि लिएर रा, राजनैतिक मर्यादाको कुराहरू पनि र यसले गर्दा आज म सम्पूर्ण पहाडको तर्फबाट साथसाथै गोर्खा जातिको तर्फबाट अनि एउटा कङ्ग्रेसको हैसियतले पुनः म श्री अधि अधिर चौधरीलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै आउँदो दिनहरूमा कङ्ग्रेस पार्टी अनि अन्य शीर्ष नेतृत्वहरूले पनि हाम्रो समस्यामाथि यसरी नै संसदमा साथसाथै उच्च निकायहरूमा कुरा राखिदिनेछ भन्ने आशावादी छु धन्यवाद